ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल ही बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जिस